और क्या हालचाल भाई लोग, तो स्वागत है नए वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे आई लीग के बारे में। फाइनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो आई लीग का शेड्यूल है उसको ड्रॉप कर दिया है, और जो आई लीग का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट होने जा रहा है नवंबर से लेके मार्च के बीच में होगा, जो कि 5 मंथ का होगा। तो और पिछली बार का चैंपियन तुम्हें पता है गोकुलम केरला है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो पहला मैच खेला जाएगा गोकुलम केरला वर्सेज मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब के बीच में होगा। तो 22-23 का जो आई लीग है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता है ना, जो 21-22 में जो हुए थे लीग्स इंडिया में, चाहे ISL हो चाहे आई लीग हो, तो उसमें पता नहीं था कि कौन टॉप टीयर की फुटबॉलिंग लीग है इंडिया में। तो इस बार से 22-23 ये चीजें बदल दी गई हैं। 22-23 में ये होगा कि ISL जो है वो टॉप टीयर की लीग है, और जो सेकेंड टीयर की लीग हो गई है अब वो आई लीग है, उसके नीचे आइए सेकेंड आई लीग डिवीजन जो कि थर्ड टीयर की हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बांट दिया गया है। तो अभी जो अपना आई लीग है ये सेकेंड टीयर का हो गया, तो पूरा एक चार्ट फ्लो बन गया है, पूरा पूरा एक प्रोग्रेसिव दिख रहा है चीजें, बहुत अच्छी बात है। और जो इस बार का जो आई लीग है इसमें 12 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 12 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, और कुल मिलाकर 132 गेम खेला जाएगा नवंबर से और मार्च के बीच में। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टॉप पे जो फिनिश करेगा इस बार आई लीग में वो नेक्स्ट सीजन 23-24 के लिए ISL में चला जाएगा। जो टॉप पे फिनिश करेगा, जो दो बॉटम में जो फिनिश करेंगी वो रिलेगेट हो जाएंगी आई लीग सेकेंड डिवीजन के लिए। तो ये अच्छी बात है, ऐसे कंपिटेटिवनेस बना रहेगा। और सेम चीज आएगा ISL के लिए, ISL में जो फिनिश करेगा बॉटम में वो रिलेगेट होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो ये जो रिलेगेशन वाला जो रूल है ISL में, ये 24-25 से स्टार्ट होगा। अभी से नहीं स्टार्ट हो रहा, उसमें 24-25 से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन आई लीग में अभी से स्टार्ट होगा। जो टॉप पे फिनिश करेंगे वो प्रमोट करेगा ISL में, और जो बॉटम में फिनिश करेगा वो रिलेगेट होगा सेकेंड डिवीजन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस बार जो 12 टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो टीम्स ये हैं, आइजोल है जो कि मिजोरम से आता है, चर्चित ब्रदर्स जो कि गोवा की टीम है, गोकुलम केरला है जो केरला से आता है, मुंबई कैंकरे जो कि मुंबई महाराष्ट्र से आता है, मोहम्मदीन जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से आता है, NEROCA जो कि इम्फाल मणिपुर से आता है, राउंड ग्लास पंजाब जो कि मोहाली चंडीगढ़ से आता है, राजस्थान यूनाइटेड जो कि जयपुर से आता है, राजस्थान से रियल कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आता है, श्रीनिधि डेक्कन जो कि आंध्र प्रदेश से आता है, और सुदेवा दिल्ली जो कि न्यू दिल्ली से आता है, और TRAU जो कि इम्फाल मणिपुर से आता है। तो अच्छी बात है, काफी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। मेरा तो मेरा लाइक मेरा मैं तो काफी अच्छी सोच है, अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, बट इसमें कुछ चीजें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लाइक जो ड्यूरेशन है, जो 5 मंथ का जो कराया जा रहा है आई लीग, चलो ठीक है इस बार से स्टार्ट हो रहा है, बट आई थिंक इनको जो ड्यूरेशन है ना करीब 10 मंथ का करना चाहिए, जैसे लालीगो होता है, IPL होता है। इवन मैंने एक जो वीडियो बनाया था कि हमें क्या लर्न करना चाहिए वियतनाम से, अगर मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, तुम देख लेना। उसमें भी जो वियतनाम में जितने भी लीग होते हैं, वहाँ के V1 लीग है जो कि पूरे 12 मंथ तक चलता है, 10th मंथ तक चलता है, मतलब पूरे एक सीजन तक चलता है। ये चीज़ इंडिया में भी करना चाहिए, इनको अभी इस सीजन तक नहीं कर रहा है, बट आई थिंक धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करें तो पूरा चलना चाहिए, 5 मंथ नहीं चलना चाहिए। सेम चीज़ ISL के होना चाहिए, ISL भी पूरे 10th मंथ चले तो ज़्यादा बेटर है। और जो नंबर ऑफ टीम से इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और इस बार जो आई लीग है वो लाइक राउंड रोबिन की तरह होगा, एक पूरे 12 की लिस्ट होगी और हर एक टीम एक होम गेम खेलेंगी एक अवे गेम खेलेंगे, तो राउंड रोबिन में जो टॉप करेगा वो टॉप फिनिश करेगा, चैंपियन बन जाएगा। तो यही रूल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाई जाए और जो ड्यूरेशन है उसको लंबा करा जाए, पूरे सीजन में चले तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर लगातार फुटबॉल खेलेंगे तो इंप्रूवमेंट तो होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ये सारे मैच देखने हैं तो तुम देख सकते हो, वन स्पोर्ट पे आएगा मैच, और वन स्पोर्ट के फेसबुक लाइव पर भी तुम जाकर देख सकते हो। जितने मोस्टली जितने भी मैचेज है वो 4 बजे से स्टार्ट होंगे, और कुछ मैचेस 2 बजे से भी स्टार्ट होंगे, मैं शाम की बात कर रहा हूँ, और जो कुछ मैचेज 7 बजे शाम में भी स्टार्ट होंगे। तो 2, 4, 7 यही टाइमिंग है, तुम कैच कर सकते हो मैचेस, और मजा आएगा देखने में ब्रो। स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से और मार्च तक चलेगा, साथ में ISL भी चल रहा है पैरेलली, तो अच्छी बात है। क्योंकि पहले तो भाई सही नहीं लगता था, तो ISL में कोई टीमें खेल रही, इधर कोई टीमें खेल रही, कोई बीच में कोई मतलब कोई ब्रिज नहीं था, अब तो ब्रिज बन गया है कि रिलेगेट होगा प्रमोट होगा, पूरा एक फ्लो बन गया है, पिरामिड बन गया है। तो पिरामिड बन गया तो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, हम चाहेंगे। और वही है कि ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाया जाए इसका, कि लंबा समय तक चले, तो ठीक है, बस यही है। और अगर तुम्हें एक बात और, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इंडिया कैसे क्वालिफाई करेगा 2027 एशिया कप के लिए और 2026 वर्ल्ड कप के लिए, और मैंने इसके लिए हैंडमेड एक फ्लो चार्ट बनाया खुद से, मैंने हाथ से बनाया। मुझे लगता है काफी कुछ लोग के लिए बहुत कठिन होता है कि कैसे क्वालिफाई करेगा, क्योंकि इस बार 48 टीम क्वालिफाई कर रहे, तुम्हें पता है स्लॉट भी बढ़ चुका है इंडिया से, स्लॉट भी बढ़ चुका है एशिया से, 8.5 स्लॉट आ गया वर्ल्ड कप के लिए। तो मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है, बहुत मेहनत करे तू फ्लो चार्ट बनाने के लिए, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें जानना है कि कैसे क्वालिफाई करेगा इंडिया नेक्स्ट
वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप के लिए या एशिया के लिए, तो उन्होंने इसके लिए फ्लो चार्ट बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट बनाया, तुम जाकर वहाँ देख सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन मतलब पिंग कर सकते हो मेरे को, कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हो, मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो आज के लिए बस, बाय, धन्यवाद।